दोस्तों, आज है 2 जनवरी, साल का दूसरा दिन। और कल हम मंदिर गए, उसके बाद घर में कुछ भी नहीं किए 1 जनवरी को। तो आज प्लानिंग है सीहोर में चिंतामणि गणेश जी के पास दर्शन करने के लिए जाने के। तो चलिए, आपको लेके चलते हैं आज सीहोर, और चिंतामणि गणेश जी के दर्शन कराते हैं और आपको दिखाते हैं हम किस में जा रहे हैं। इस बार थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप का थोड़ा हमने प्लान आउट किया है, तो चलिए दिखाते हैं। गाड़ी आ गई है, तो आपको दिखाते हैं किस में जा रहे हैं हम लोग। तो ये वो गाड़ी है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं सीहोर। पब्लिक तैयार हो रही है, ये तैयारी चल रही है, बैठने के लिए बिछाया जा रहा है। मजा आएगा। चप्पल की जरूरत ही नहीं है, कोई मत पहनो, ऊपर रख। मैं तो नहीं पहन के जाऊंगी। हां चप्पल ही, अब यही मजा। सुपा जी चला रहे हैं। नहीं नहीं अब सही है। एक बार बाइक से हां, आराम से पकड़ लो इसको, आराम। गाइस पब्लिक देखो, मर्सिडीज बेंज। राम मुंडे गद्दे मुंडे, इसके हाथ साग उड़ जाएंगे पूरे। भाई जी 10 रुपए सवारी। मैं उड़ेंगे भाई। पहुंच गए हैं हम मंदिर के पास, अब सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर के पास और आपको दिखाते हैं चिंतामणि गणेश जी के दर्शन करवाते हैं आपको। प्लीज कमिंग ऑन। ज्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 लोग हैं हम लोग। तो सामने आप देख सकते हैं मंदिर, और इस तरफ सब बाजार लगा हुआ है। तो मंदिर में जाने से पहले प्रसाद लेंगे चढ़ाने के लिए। लड्डू बता दो कितने रखना है। लड्डू प्रसाद तो 50 रुपए का है, लड्डू कितने रखना है ये बताओ। तो देखिए भीड़ कितनी है इस तरफ। और ये है मंदिर के अंदर का नजारा, बहुत भीड़ है। और ये देख सकते हैं आप चिंतामणि गणेश जी। तो अच्छे से दर्शन हो गया। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, भीड़ बहुत थी पर दर्शन हो गए। बस भगवान जी मनोकामना पूर्ण कर दिया। अब आपको बताते हैं इस मंदिर में और एक मान्यता है कि यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत किया जाता है गोबर से, या फिर सकते मंदिर के दीवारों पे उल्टे स्वास्तिक बने हुए हैं। ये देखिए, तो जिन जिसकी भी जो मन्नत होती है उल्टा स्वास्तिक बनाकर वो मन्नत करता है, और जब वो मन्नत पूरा हो जाता है तो वो स्वास्तिक को सीधा कर दे रहा है। यहाँ पर मैं उल्टा स्वास्तिक बना रहा हूँ, तो उसके लिए जगह ढूंढ रहा था। अब फाइनली मुझे जगह मिल गई, तो मैंने वहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बना दिया और अपनी मन्नत गणेश जी से किया। और मंदिर के अंदर ही शीतला माता जी का भी मंदिर था, तो वहाँ भी हमने दर्शन किए। और यहाँ पर एनु भैया
अपने मन्नत का उल्टा स्वास्तिक बना रहे हैं, और अनीता भाभी भी अपने मन्नत का उल्टा स्वास्तिक बना रहे हैं, और नट्टू ने भी मन्नत किया हुआ है। तो चिंतामणि गणेश जी के दर्शन हो गए, अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग एक और मंदिर, कुबेरेश्वर मंदिर ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पर जा रहे हैं। जो इसका डिज़ाइन है वो एक नेपाली, जो नेपाल के टेंपल होते हैं उस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है। और यह है नट्टू नौटंकी करते हुए, और यह है मोहित। तो ये देखिए, ये एक नया मंदिर है, पर बहुत ही शांत और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। इस तरफ ये शंकर जी की शायद बड़ी सी मूर्ति बन रही है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पर एक गुफा बना हुआ है, अभी बन रहा है ये, पर पता नहीं लोग अंदर क्यों जा रहे हैं, वो देखने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग शायद मन्नत के लिए कुछ कुछ अपना बांध के गए हुए हैं, देखिए। तो यहाँ पर एक गुफा बना हुआ था, उस गुफा में ऐसा कुछ है नहीं, बट लोग अंदर जाके देखते हैं कि अंदर है क्या। अभी निर्माण हो रहा है यहाँ पर, है हनुमान जी अंदर गुफा में, शायद हनुमान जी की मूर्ति है। तुम लोग भी अंदर देख के आ जाओ क्या क्या है। तो प्रदीप मिश्रा जी करके कोई महाराज हैं, उनका ये मंदिर है, तो उनके भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। गौशाला भी है, गौशाला भी है, और सीता रसोई बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। ये सत्संग का स्थान है, ऊपर शिवलिंग है। तो अब ऊपर जाते हैं। और अब हम लोग मंदिर का दर्शन करके वापस भोपाल आ गए, और ये देख, और घर आने के बाद हमने चूल्हे में चिकन बनाया, देखिए, और वो भी मिट्टी के बर्तन में बन रहा है, और बहुत ही अच्छा चिकन बना था। ये है हमारा चूल्हे में बना हुआ चिकन, चूल्हे और मिट्टी के बर्तन में बना हुआ चिकन, देखिए कितना अच्छा। ये देखिए खाने वालों की टोली, ये सब खाने वाले की टोली है, तैयार है देखते हुए। अरे बार दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।